गुना समाज का सर्वोच्च धर्म स्थल समेत शिखर जी पर केंद्र एवं झारखंड की राज्य सरकार की हिलाहवाली के खिलाफ बुधवार शाम जैन समाज एक बार फिर मौन जुलूस के रूप में सड़कों पर उतरी। इस दौरान आहत जैन समाज द्वारा पवित्र जैन तीर्थ स्थल के लिए अनशन पर बैठे बलिदानी जैन मुनिश्री को श्रद्धांजलि दी। हजारों की संख्या में जैन समाज के दिगंबर श्वेतांबर सहित विभिन्न वर्गों एवं संगठनों के लोग हाथों में नारे लिखे तख्तियां थामे शहर के मुख्य मार्गों से निकले। ये मौन जुलूस स्थानीय पशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर से आरंभ हुआ, जो पंडाजी चौराहा, बताशा गली, निचला बाजार, सदर बाजार, बापू पार्क, लक्ष्मीगंज होते हुए शास्त्री पार्क पहुंचा। यहां तीर्थराज समेत शिखर जी को लेकर अनशन करने वाले समाधिस्थ मुनिराज सुगेन सागर जी महाराज को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जुलूस जैसे ही बाबू पार्क के आगे से निकला तो समाज के एक प्रतिनिधि मंडल बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर समेत शिखर जी को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जी भाई साहब, बताएं आज जो मौन जुलूस निकाला जा रहा है, ये जो झारखंड में हमारा सर्वोच्च तीर्थ समेत शिखर जी स्थित है, उसको झारखंड सरकार ने और देश की सरकार ने जो है पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की को घोषित कर दिया है। पर हम ये चाहते हैं कि ये पर्यटन स्थल धार्मिक स्थल है, उसको पर्यटन स्थल की घोषित करना ये सर्वथा गलत बात है। एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने का मतलब तो ये है कि देश में जितने भी पवित्र स्थान हैं, वाराणसी है, मथुरा है, गोवर्धन पर्वत है, जो हमारा स्वर्ण मंदिर है, क्या ये सब भी कभी कोई पर्यटन स्थल घोषित किए जा सकते हैं? हमारी यही मांग है कि इस पवित्र क्षेत्र यहाँ से कि हमारे 24 तीर्थंकरों से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है, ये भी फरमान्य है कि यदि वहाँ कोई अपने शुद्ध भावों से यदि यात्रा करेगा तो फिर अगली योनि में उसे नरक योनि नहीं प्राप्त होगी, उसे पशु योनि नहीं प्राप्त होगी, उसे कोई उच्च योनि या स्वर्ग ही प्राप्त होगा, मोक्ष ही प्राप्त होगा, ऐसी भावना हमारे साथ है। जैसे लोग कहते हैं ना कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही उससे भी ज्यादा पवित्र स्थान हमारा शिखर जी है, जहाँ पर कि हमारे सारे जो भी अगर भाव के साथ भाव सहित हम वहाँ एक बार यात्रा करते हैं तो हमारे सारे अंतर के भाव निर्मल हो जाते हैं, हमारे पाप कम हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत विशुद्धि आ जाती है, आत्म सांत्वना का केंद्र जो है। देखिए, मैं आपको यहाँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, पर्यटन स्थल का मतलब भौतिकता और पवित्र तीर्थ स्थल का मतलब है आध्यात्मिकता। तो हम भौतिकता को नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कोई रोप वे लगाइए वहाँ, हम नहीं चाहते कि कोई कॉटेज बनाइए, हम नहीं चाहते कि कोई 5 सितारा होटल वहाँ बनाइएगा, हम नहीं चाहते कि कोई बाइक से हम वहाँ पर जाएं, हम कोई 4-व्हीलर से वहाँ जाएं। अरे हम तो श्रद्धालु हैं, पैदल चल के जाएंगे, नंगे पैर जाएंगे वहाँ, पहाड़ पर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और पूरी यात्रा 27 किलोमीटर की करने के पश्चात ही हम कुछ ग्रहण करते हैं। ये ऐसी हमारी श्रद्धा है। ऐसे पवित्र क्षेत्र को आप पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं, हम पूरी केंद्र सरकार का भरपूर विरोध करते हैं, झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारा ये अध्यादेश वापस लिया जाए। और हम शांति प्रिय लोग हैं, अहिंसक लोग हैं, यदि आपने हमें उकसाया तो हमारी अहिंसा और शांति प्रियता वो भी कहीं ना कहीं से रोक लग सकती है, और हमारे जब उग्र होंगे तो फिर आप हमारे को दोष मत दीजिएगा, यही हमारी राय है। क्या सब नाम है आपको? पूज मुनि श्री सुयोग सागर जी महाराज, जिन्होंने जयपुर में 10 दिन तक इस बात के लिए अनशन किया, मतलब अनशन से आशय मेरा उपवास किया, मेरा निर्जल उपवास किया, बिल्कुल कहीं जल भी ग्रहण नहीं किया, और उन्होंने अपनी देह इसके लिए त्याग दी। तो ये भी मतलब सरकार तो बिल्कुल पहली बैठी हुई है, उन्हें तो कहीं कोई जू नहीं लग रही है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, लाखों की संख्या पर लोग सड़क पर उतर रहे हैं, रोज मार्च हो रहा है, रोज हम वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार क्यों मौन बनी बैठी है, क्यों उनकी कान पर जू नहीं बैठी रंग रही है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार को ये जगाने के लिए, सरकार को कहीं से उनके कानों में जू रहेंगे वो जागृत हो, और ये अल्पसंख्यक हमारा समाज है, इसके सारे अधिकारों को और उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनके साथ खिलवाड़ ना करें, यही हमारी मांग है। यही भावना के साथ आज ये मौन जुलूस हम निकाल रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? विजय। मैं विजय कुमार जैन,
राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता जैन समाज गुना।